आज का ये वीडियो शुरू करने के पहले उन सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर किए थे वास्तुशास्त्र के, उससे मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत सारी इंक्वायरीज आई और उनके जो प्रॉब्लम्स थे मैंने सॉल्व किए हैं वास्तुशास्त्र की छोटी छोटी रेमेडीज को यूज करके। तो यही प्यार, यही सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूंगी। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर आप भी वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वास्तुशास्त्र के बारे में नॉलेज तो दूंगी ही, लेकिन उसी के साथ साथ आपको आपके घर को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कैसे डेकोरेट करना है, कौन से कर्टन कौन से डायरेक्शन में लगाने हैं, कौन से प्लांट्स यूज करने हैं, कौन से आर्टिफैक्ट्स यूज करने हैं जिससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी। तो अगर आप भी अपने घर को वास्तु कंप्लायंट घर बनाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उस पर हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो आपको आने वाले मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं आपके फैमिली की, आपके लव वंस की फोटो आपको आपके घर के कौन से डायरेक्शन में लगानी है, जिससे आप लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार बना रहेगा, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी रहेगी। तो आज हम देखेंगे चार ऐसे डायरेक्शंस जहां पे आपको आपकी फैमिली फोटो लगानी है और छह ऐसे डायरेक्शंस है आपके घर में जहां पे अगर आपकी फैमिली फोटोज है तो आज ही उसको उतार देनी है। डायरेक्शंस की प्रॉपर नॉलेज के लिए आप क्या करेंगे, आप आपके घर के सेंटर में खड़े रहेंगे। घर के सेंटर में खड़े रह के आपको आपके मोबाइल में कंपास ओपन करना है और उसको रखना है कुछ इस तरीके से अपने हाथ पे। जैसे आप आपके घर का 0 डिग्री नॉर्थ निकालोगे तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा आपके घर के 16 डायरेक्शंस कहाँ पे और कौन कौन से डायरेक्शंस में कौन कौन सी चीजें रखी हुई है। तो जब मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इन डायरेक्शंस में आप लोगों को ये चीजें अवॉइड करनी है, इन डायरेक्शंस में आपको ये चीजें रखनी है, तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो और उसके ऊपर मार्किंग कर सकते हो। अब आप क्या करेंगे, मैं जो आप लोगों को चार डायरेक्शंस बताने जा रही हूँ जहां पे आपकी फैमिली फोटोज होनी ही चाहिए, उन डायरेक्शंस को आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, या अगर आपने फ्लैट के लेआउट के ऊपर ग्रेडिंग करके रखा हुआ है तो वहां पे पेन कर लीजिए। इन चार डायरेक्शन में सबसे पहले नंबर पे आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये आपके प्यार को, आपके बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो मेक श्योर कीजिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी फैमिली फोटो होनी ही चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बाद बात करेंगे साउथ डायरेक्शन की। साउथ डायरेक्शन में भी आप आपकी फैमिली फोटो या अपनी खुद की भी फोटो लगा सकते हैं। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है फेम को। जिन भी लोगों के घर में पैसे बहुत है लेकिन खुशियां नहीं मिलती, तो उनको अपनी फैमिली फोटो को लगाना है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है आपके जॉय को। जिन लोगों के घर में हस्बैंड वाइफ का बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जमती और फिर भी उस रिलेशन को वो टिकाना चाहते हैं, तो उनको अपनी फोटोज लगानी है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इन डायरेक्शंस में फोटो लगाते समय आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो भी फोटो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो हंसती खेलती हुई होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसे 6 डायरेक्शंस जहां पे अगर आपकी फैमिली फोटोज है तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो तुरंत उतार देनी है। जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है नॉर्थ डायरेक्शन, सेकेंड पे नॉर्थ ईस्ट, थर्ड पे ईस्ट साउथ ईस्ट, फोर्थ पे साउथ ईस्ट, फिफ्थ पे आती है साउथ साउथ वेस्ट और सिक्स्थ पे आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन 6 डायरेक्शंस में अगर आपकी फैमिली फोटोज होती है तो आपके घर में कहीं ना कहीं पे तनाव का वातावरण निर्माण हो जाता है, तो इन 6 डायरेक्शंस को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है अपनी फैमिली फोटोज को लगाने के लिए। आपके घर में फैमिली फोटोज को कौन से डायरेक्शन में लगाना है, कौन से डायरेक्शन को अवॉइड करना है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बताती हूँ कुछ क्लीनिंग टिप्स। अपनी फैमिली फोटोज को आपने जहां पे भी लगाया हुआ है उसको हर 10 दिन में क्लीन कर देना है। फोटोज के पीछे कभी भी आप लोगों को धूल जमने नहीं देनी है। उसी के साथ साथ किसी रीजन की वजह से अगर इसकी फ्रेम खराब हो गई, अगर जो ग्लास आप लोगों ने लगाया हुआ है वो अगर टूट गया है तो उसको भी आप लोगों को तुरंत रिप्लेस कर देना है।
आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।